करोड़ कीमत की 24 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट जब्त, ट्रेलर सहित तस्कर गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कैर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत आज थानाधिकारी फलोदी जिला स्पेशल टीम द्वारा एक ट्रेलर में भरे हुए 24 क्विंटल डोडा पोस्ट बरामद कर ट्रेलर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। जिला विशेष टीम के प्रभारी सुरेश चौधरी निरीक्षक पुलिस को जिले में इन मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध डाटाबेस तैयार कर कार्रवाई करने के निर्देश देने पर जिला स्पेशल टीम के अमाना नाम सहायक उप निरीक्षक द्वारा इन तस्करों का डाटाबेस तैयार कर आसूचना एकत्रित की गई। उस आसूचना के आधार पर दिनांक 1 जून 2021 की रात्रि को जिले के बाप थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट आने की सूचना पर वृत्ताधिकारी व्रत फलोदी पारस सोनी के निकट निर्देशन में जिला स्पेशल टीम प्रभारी सुरेश चौधरी निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी भोजासर डॉक्टर मनोहर विश्नोई उप निरीक्षक थानाधिकारी जाम्बा मगाराम उप निरीक्षक के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए बीकानेर जोधपुर सीमा पर नाकाबंदी प्रारंभ कर संदिग्ध वाहनों की तलाशी शुरू की गई। तलाशी के क्रम में आसूचना के आधार पर एक ट्रेलर नंबर RJ07GB0699 आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर जाप्ते द्वारा तलाशी लेने पर अवैध डोडा पोस्ट से भरा पाया जाने पर इस संदिग्ध ट्रेलर नंबर RJ07GB0699 की तलाशी ली गई। ट्रेलर में भरे हुए 24 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट पाया गया, जिसे पुलिस कब्जे में लिया। तस्कर मुलजिम रमेश पुत्र केसाराम जाति विश्नोई ईश्वरवाल निवासी चंद्रपुरा पुलिस थाना लाहौट को दस्तियाब कर गिरफ्तार किया गया। ट्रेलर के खलासी सुनील पुत्र रिडमल राम विश्नोई की तलाश की जा रही है तथा ट्रेलर के मालिक डोडा पोस्ट सप्लायर्स के साथ स्थानीय खरीदार तस्करों के बारे में आसूचना एकत्र की जाकर उनके दस्तियाब के प्रयास किए जा रहे हैं। उपरोक्त डोडा पोस्ट स्टील की चादरों की परिवहन की आड़ में झारखंड से तस्करी हेतु लाया जा रहा है। पुलिस थाना बाप में NDPCS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान देवेंद्र सिंह निरीक्षक पुलिस थाना शेरगढ़ द्वारा किया जा रहा है। बरामद अवैध डोडा पोस्ट की अनुमानित बाजार मूल्य 2 करोड़ रुपए है। वैभव गहलोत के जन्मदिन पर युवाओं ने किया 552 यूनिट रक्तदान। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वैभव गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर आज फरोदी शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। टीम महेश व्यास द्वारा आज वैभव गहलोत के जन्मदिन पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलोदी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें फलोदी उपखंड क्षेत्र के कई रक्तदानदाताओं ने किया रक्तदान। रक्तदान करने के लिए युवाओं का जोश काबिले तारीफ था। सभी जाति वर्ग के युवा आ रहे थे विद्यालय में रक्तदान करने। डड्डू ग्राम पंचायत से समाजसेवी बचनाराम बादू प्रभुराम बादू के नेतृत्व में लगभग 100 से ज़्यादा युवा आए रक्तदान करने। वहीं बावड़ी कला सरपंच भैरव सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में 70 से 80 युवा रक्तदान करने के लिए आए। रक्तदान शिविर में कुल 552 यूनिट रक्तदान संग्रहित किया गया। एसीसी के सदस्य श्रीमान वैभव जी गहलोत के जन्मदिन के ऊपर फलोदी के अंदर बहुत ही बेहतरीन रक्तदान शिविर चल रहा है और ये कहां तक जाएगा हमें भी पता नहीं। जितनी उम्मीद हमने की थी उससे भी बेहतर जा रहा है। साथ ही आज वृक्षारोपण कार्यक्रम हुए, कई लोगों ने मास्क बांधे, कई लोगों ने अपनी तरफ से पानी की टैंकर की व्यवस्था करी, तो आज ही अच्छा बहुत ही शुभ दिन जा रहा है। और मैं खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पहली बार घर से बाहर निकला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद फलोदी विधानसभा का हर बार प्यार देने के लिए, सहयोग देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय फलोदी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वैभव गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व भामाशाह कुम सिंह पातावत द्वारा कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स चिकित्सालय टीम राजकीय चिकित्सालय फलोदी के डॉक्टर्स एवं मेल नर्स व फीमेल नर्स को मोमेंटो और प्रशंसनीय पत्र देकर किया सम्मान। कुम सिंह पातावत द्वारा आज राजकीय चिकित्सालय फलोदी में डॉक्टर्स मेल नर्स एवं फीमेल नर्स का सम्मान किया गया। डॉक्टर्स को सफा व मोमेंटो प्रशंसनीय पत्र देकर किया सम्मान, साथ ही मेल नर्स को भी साफा व मोमेंटो प्रशंसनीय पत्र देकर किया सम्मान। फीमेल डॉक्टर्स को साल देकर मोमेंटो प्रशंसनीय पत्र के साथ सम्मानित किया गया। वहीं फीमेल नर्स को भी शॉल मोमेंटो प्रशंसनीय पत्र देकर किया सम्मान।
शासकीय चिकित्सालय में लघु समारोह आयोजित कर सम्मानित डॉक्टर्स में डॉक्टर मधु शर्मा, डॉक्टर चैनसुख सोनी, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, डॉक्टर हजारीमल सोनी, डॉक्टर अश्विनी सोनी, डॉक्टर रमेश खत्री सहित अस्पताल के सभी डॉक्टर्स व मेल व फीमेल नर्स का किया गया सम्मान। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वैभव गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर आज पड़ोसी शहर में कुम सिंह पाताव द्वारा अपने आवास नंदपुरी पर एक संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित कर मातोश्री फाउंडेशन के तहत अग्नि पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान की गई, साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया गया। नंदपुरी में आयोजित कार्यक्रम में जरूरतमंदों को बांटे गए राशन किट, 20,000 मास्क आए हुए सभी सरपंचगणों को देकर ग्राम पंचायत में वितरण करने हेतु दिए गए। आयोजित कार्यक्रम में दूर दराज से कई कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे, साथ ही शहर फलोदी के कांग्रेस कार्यकर्ता व नेतागण भी पहुंचे। कांग्रेस के नेता होते हुए भी कुम सिंह पातावत की पहचान क्षेत्र में भामाशाह के रूप में है। वह समय समय पर अग्नि पीड़ितों की सहायता करते रहते हैं, साथ ही जरूरतमंद लोगों एवं बीमारों की सहायता करने में आगे रहते हैं। बड़े आदमी का स्टैंड हो, हमारे पार्टी अध्यक्ष राहुल जी गांधी, उनका ये स्टैंड था कि 5 साल जो आदमी मेहनत करेगा उसी को हम टिकट देंगे। उस गलतफहमी में हम मैदान में उतर गए और उसके बाद हम खड़े भी नहीं होते, लेकिन दुर्भाग्य से हम खड़े हो गए। जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट चाहे हारता तो जीता है, चाहे उसकी किस्मत कैसे होता, जीता हारता, लेकिन उसकी वोट बैंक पर आ गई कि भाई मेरे को हरा दिया। परिणाम क्या होता उसका तो छपा हुआ है, हारता जीता, लेकिन उसकी वोट तो मेरे पे आ गई। अपना दुर्भाग्य रहा, मैंने पहले आपको कहा था कि 25 सीटें हमारे वैभव जी को टिकट मिला। मैंने सभी जगह आपको कितनी कहा था कि अगर एक सीट अपन जीता देंगे ना, तो गहलोत जी ने जो काम किए हैं, कम से कम वो सोचेंगे कि जनता ने, मैंने जो काम किया है राजस्थान के लिए उसका मुझे कुछ कुछ किया है। लेकिन उनका मन अंदर से कहीं कहीं मरा है। उन्होंने जो काम किया आज तक, 45 साल की जब राजनीतिक जीवन होता है ना, तो कहीं न कहीं दाग लग जाता है। लेकिन उनके जीवन में मैं आपको कहता हूं, राजनीति में आज पूरे भारत में देखा जाए तो गहलोत जी की एक भी दाग नहीं। उनसे हमें सीखना चाहिए कि हमारा नेता कैसा है और उनके पचनों पे चल के हमारे को सफलता मिल सकती है। चाहे हम कि हो सकता है हमारा कदम छोटा हो, लेकिन वो मील का पत्थर होगा। अब जरूरी नहीं है कि आप उस ऊंचाई पे एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, लेकिन लोगों के दिल में, दिमाग में एक आपके लिए जगह बन जाएगी कि भाई ये आदमी सही काम कर रहा है। मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं, पुलिस के आदमी बैठे हैं, मेडिकल के आदमी बैठे हैं। आज इस संकट में जिस तरह से आम आदमी ने जिस समाज में सहयोग किया है, पहली बार ये हमारे को ये संकट आया सामने, ये मेरी भूमिका नहीं है, प्रत्येक आदमी ने इसमें सहयोग किया है। कैसे ही कहता है, उसने शारीरिक रूप से किया है, चाहे किसी को सलाह दी है, अच्छा काम किया। जब हम इस कार्य से उभरे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप सब पधारे मेरे कहने से, और आगे भी हम कोई दुर्भावना नहीं रखते हुए, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम स्वयं है, कोई महेश जी दुश्मन है, ना कोई जोशी जी दुश्मन है, कोई ये मुरली जी दुश्मन है, हम अपने खुद ही दुश्मन है। मैंने कभी किसी को दुश्मन नहीं देखा आंखों से, ये मेरा दुश्मन है, ये लोग इस तरह से मेरे फ्रेंड के वो ये कर रहा है, मैं इस कान से सुनता हूँ, इस कान से निकाल देता हूँ। मैं इस बातों पे ध्यान नहीं देता कि अभी अपने को तो काम करना है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ जिस तरह से अपन ने काम किया है, आगे भी अपन अच्छी भावना रखते हुए, गहलोत जी जैसे हमारे नेता है उनको दृष्टिगत रखते हुए हम काम करते रहेंगे, ताकि हमारी पार्टी की भी शोभा हो और जनता को भी राहत पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब पधारे, उनको पुनः बहुत बहुत सबको धन्यवाद, क्योंकि मैं सबका नाम चेक लगातार हम इस एरिया में जो पड़ोसी एरिया है उसमें हमेशा देते हैं। जहां भी आग लग जाती किसी के घर में तो देते हैं, तो आज उनका जन्मदिन था इसलिए हमने पहले पेपर में दिया, तो 8 चेक वितरण किए और पौधों का कार्यक्रम जो लगाने का जोधपुर में भी हमने आज किया और यहाँ भी किया, और गरीब आदमी है उनको किट भी वितरित किए। हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार लगे हुए थे, लेकिन आज विशेष तौर से वैभव जी का जन्मदिवस था उस पर हमने विशेष, हमारे महेश जी व्यास हैं उन्होंने ब्लड का कैंप रखा, और मुरली जी हैं उन्होंने कल अपने पड़ोसी में पूरे टैंकर वगैरह वो 2-3 दिनों से वो पानी पिला रहे हैं, और मैंने ये जो शॉर्ट कार्यक्रम रखा जिसमें चेक वगैरह गरीब आदमी को जो वितरित किए हैं, ये हमारा कार्यक्रम
वैभव जी के जन्मदिवस पे रखा। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हमेशा सहयोग रहा है पार्टी के लिए, और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे नेता वैभव जी हैं वो हमेशा अपनी प्रगति करते रहें, और इसी तरह से जो उनके पिताश्री है गहलोत जी, जिस तरह का समाज में काम किया है, राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है, उसी तरह से वो भी उनके कदमों पर चलते हुए हमेशा हम भी उनसे सीख लेते रहे हैं, और हमारे नेता वैभव जी गहलोत हैं उनके साथ मिलके उन्हीं के कदमों पर चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ग्राम पंचायत बामणू में 45+ का 95% वैक्सीनेशन। ग्राम विकास अधिकारी एवं कोर कमेटी की मेहनत लाई रंग। कुल आबादी 716 है, उसमें से 663 लोगों को 45+ के लग गई वैक्सीन। ग्राम विकास अधिकारी त्रिपाल पालीवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत में कोर ग्रुप द्वारा कराए गए सर्वे अनुसार 45+ आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या 716 है, उसमें से 663 लोगों को प्रथम डोज पूर्व में ही लगाई जा चुकी थी। शेष बचे व्यक्तियों में आज 21 व्यक्तियों को प्रथम डोज लगाई गई। ग्राम विकास अधिकारी त्रिपाल पालीवाल ने वार्ड पंच बोम सिंह तथा पंचायत सहायक महेंद्र सिंह के साथ घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन तथा चिरंजीवी योजना में नाम जुड़वाने के लिए किया प्रोत्साहित। इनकी मेहनत लाई रंग। ग्राम पंचायत में 45+ में 95% व्यक्तियों को प्रथम डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। इस अवसर पर BLO स्वरूप सिंह, शरण सिंह, PEO जयप्रकाश, डॉक्टर जगदीश सोनी, ANM रजनी चौहान, CMO सुनील कुमार, सेंटर प्रभारी अनिल कुमार आदि रहे उपस्थित।